आगे। और अब अगली खबर उनके लिए जिन्हें रील्स बनाने का बहुत शौक है और उनके लिए भी जो रील्स बनाने वालों से परेशान हैं। चार धाम में रील्स पर रोक लगने के बाद अब एक और बड़े धार्मिक स्थल पर रील बनाने पर बैन लगने वाला है। देखिए कौन सी जगह है वो। पहले चार धाम, अब हरिद्वार। रील का खेल पहुंचाएगा जेल। अक्सर धार्मिक स्थलों की ढेरों रील आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होती है, चाहे वो केदारनाथ हो, बद्रीनाथ या फिर महाकाल। रील का शौक ऐसा कि लोग यहाँ दर्शन करने से ज्यादा रील बनाने में बिजी रहते हैं। यही वजह है कि अब कई धार्मिक स्थलों पर ये रील का खेल बंद किया जा रहा है। पहले चार धाम यात्रा में रील बनाने पर बैन लगाया गया, जिसके तहत मंदिर के 50 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की वीडियोग्राफी पर रोक लग गई थी। अब कुछ ऐसा ही फैसला हरिद्वार में भी लागू हो सकता है और जल्द ही गंगा किनारे इस तरह की रील्स आपको अब देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि उत्तराखंड प्रशासन अब हरिद्वार के मंदिरों में भी ऐसा ही बैन लगाने जा रही है, जिसके तहत मंदिरों के आसपास रील बनाने की मनाही होगी। मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष ने भी इस फैसले को अपना समर्थन दिया है। आपने देखा होगा जब हम मनसा देवी में जाते, चंडी देवी में जाते, किसी मंदिर में जाते, गंगा जी में जाते, वहाँ हम वो भावना लेके नहीं जाते हैं, हम वहाँ समर्पण लेके नहीं जाते हैं, हम वहाँ श्रद्धा लेके नहीं जाते हैं, हमारा विश्वास नहीं होता। हमारा यही विश्वास रहता है सोशल मीडिया पे कैसे हम एक बार आ जाएं, इसके लिए हम रील बनाते हैं और इस पर बैन लगना बहुत जरूरी है। इससे पहले रील्स बनाने को लेकर उत्तराखंड की चार धाम यात्रा के धार्मिक प्रतिष्ठानों में भी बैन लगाया गया था। चार धाम यात्रा में लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। इसके अलावा देश भर के रील्स रोगी भी पहुंच रहे हैं। इसकी वजह से शांति की तलाश और भक्तिभाव से आने वाले यात्रियों को काफी परेशानी हो रही है। यही वजह है कि उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा में शामिल मंदिरों के 50 मीटर रेडियस में रील्स बनाना प्रतिबंधित कर दिया है और अब ये धीरे धीरे करके देश के बाकी धार्मिक स्थलों पर भी लागू हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चारधाम यात्रा जाने वालों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखी गई है। बाबा केदार का द्वार हो या फिर बद्रीनाथ धाम, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ भीड़ है। होटल फुल हैं, रास्ते जाम हैं। ऐसे में व्यवस्था बनाना बड़ी चुनौती है। इसे लेकर कल धामी सरकार ने एक नया फैसला भी लिया है, जिसके तहत अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मस्ट कर दिया गया, यानी अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये जो पुलिस की योजना है जो इन्होंने आज से स्टार्ट की है, ये बहुत ही परफेक्ट योजना है। चार धाम यात्रा पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं का आना जारी है। यात्रों की भीड़ में अभी तक कोई कमी नजर नहीं आ रही, लेकिन हालात पहले से अब बेहतर नजर आ रहे हैं। यात्रा की शुरुआत में जो बद इंतजामी देखी गई, उसमें सख्ती के बाद हालात कुछ बेहतर हुए हैं। रिकॉर्ड संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालुओं के लिए कई नियम बनाए गए हैं, जिनको अब मानना अनिवार्य कर दिया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए उत्तराखंड सरकार ने आदेश जारी किया है कि सभी तीर्थ यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन बंद कर दिए जाने से अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही श्रद्धालु चार धाम यात्रा पर आ सकते हैं। इतना ही नहीं, चार धाम की यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों से कहा कि पंजीकरण होने पर वे निर्धारित तिथि पर ही यात्रा पर आएं। बिना पंजीकरण के आने पर उन्हें रोका जा सकता है। साथ ही यात्रियों को ये भी सलाह दी कि जिस धाम की यात्रा पर आ रहे हैं उसी रूट पर जाएं। टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों के पंजीकरण की जांच करके ही यात्री भेजें। इसके अलावा जमीनी हालात पर नजर रखने के लिए खुद एसपी यात्रा के मार्गों का निरीक्षण कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बारिश की संभावना को देखते हुए भी इंतजामों का जायजा लिया जा रहा है। और जो यात्री दूर दराज से आ रहा है उनसे मेरा विनम्र और करवट निवेदन है कि शासन के भी निर्देश हैं कि जो यात्रा पे जो भी आ रहा है वो अनिवार्यतः पंजीकरण करा के आए और उसी दिन का पंजीकरण लेके आए जिसमें उसके दर्शन करने हैं। किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए उत्तरकाशी पुलिस का हेल्पलाइन नंबर है, अगर आप परेशानी में हैं तो आप उसको जरूर कॉल कीजिए। वहीं रजिस्ट्रेशन बंद होने की वजह से बहुत से यात्री हरिद्वार में पिछले 5 दिनों से रुके हैं, उम्मीद में है कि वो किसी तरह धाम के दर्शन के लिए चले जाएं। यात्रियों ने बताया कि काफी परेशानी हो रही है, जो पैसा यात्रा के लिए लाए थे वो पैसा यहीं लग चुका है, लेकिन फिर भी उनको उम्मीद है कि वो बाबा के दर्शन कर पाएंगे। यहाँ से रोक रहे हैं, चेक पोस्ट पे जाने नहीं दे रहे गाड़ी, आगे रजिस्ट्रेशन बंद है, यहाँ परेशान है, खाना पीना सब खत्म है। अगर सरकार तैयारी करती तो ऐसी दिक्कत किसी भी श्रद्धालु को नहीं आती, और जो हमारे प्रदेश की परंपरा थी अतिथि देवो भव की। 4-5 दिन से लोग पड़े हैं, खाने पीने का सामग्री खत्म हो चुकी है और बार बार यहाँ आ नहीं सकते, गरीब लोग हैं। अब तो हम ये चाहते हैं कि हमें दर्शन हो, चाहे कैसे व्यवस्था प्रशासन व्यवस्था करे, लेकिन हमें दर्शन हो। इसके पहले चार धाम में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए यमुनोत्री धाम पैदल मार्ग पर धारा 144 लागू करने के आदेश भी जारी किए गए हैं। इसके अलावा केदारनाथ में दर्शन के समय को भी बढ़ाया गया है। चार धाम यात्रा के लिए अब तक 30 लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सभी यात्री अपने दिन के हिसाब से आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।